अगर आप कभी पटेल नगर में आए तो जरूर इस एरिया को चेकआउट करें, पटेल पार्क में आए तो जरूर ही आप खाए। मात्र 20 रुपए का बर्गर एंड 20 रुपए की आलू चाट की प्लेट है, इतनी रीजनेबल प्राइजेस एंड काफी अच्छा खाना मिल रहा है आपको इसमें। हाय गाइस, वेलकम टू फूड रोवर। आज मैं आपको लेके आई हूँ शुभम चाट कॉर्नर। सो बेसिकली ये पटेल नगर में है, पटेल पार्क के जस्ट सामने, एंड लेट्स सी यार क्या स्पेशल है। हेलो भैया, क्या क्या स्पेशल मिलता है आपके यहाँ पर? दही बल्ले हैं, गोलगप्पे हैं, आइसक्रीम हो। तो मैं एक दो बार पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। तो भैया आप बर्गर बना रहे हैं? तो भैया अभी हमारे लिए बर्गर बना रहे हैं बेसिकली। तो ये प्रॉपर देसी स्टाइल बर्गर बनता है यहाँ पर, फ्राइड एंड एवरीथिंग विद ग्रीन चटनी एंड दही पनीर सब कुछ मिला जुला करके काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। भैया कब से कर रहे हैं आप ये सब? 16 साल 17 साल हो गए। काफ़ी अच्छा चल रहा है बिजनेस? हाँ सही है। कितना कर लेते हैं आप दिन का? दिन का जो हो जाए 2-1.5 हज़ार। अच्छा, तो ये देखिए हमारा फटाफट से बर्गर बन के आ चुका है एंड लेट्स सी कैसा है। सो हॉट बेस्ट बर्गर इन द वर्ल्ड। अगर आपको देसी बर्गर्स पसंद है तो ट्रस्ट मी यही जगह आपको आना चाहिए खाने के लिए, बिकॉज जब से मैंने यहाँ पे खाना स्टार्ट किया है बर्गर्स, आई हैव बीन ऑब्सेस्ड एंड मैं सिर्फ और सिर्फ यही आती हूँ खाने के लिए। एंड और भी सामान मिलता है यहाँ पर, बर्गर्स, आलू टिक्की चाट, गोलगप्पे, स्प्रिंग रोल, एवरी थिंग। एंड देखते हैं आज हम क्या क्या ट्राई करते हैं। भैया आप आलू फ्राई कैसे बनाते हो? चटनी पड़ती है, मसाले पड़ते हैं, हरी चटनी पड़ती है। आप प्रिपरेशन पहले से करके रखते हो ये सब खाने की? फ्राई करके रखना पड़ता है। अच्छा, तो आप इसमें कुछ और भी डालते हो इसे प्रिजर्व करने के लिए? मैडम बस ऐसे ही होता है, फ्राई करके चटनी पड़ती है, मसाले पड़ते हैं बस। तो भैया पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं एंड फिर एंड में वो सब्जी वब्जी करके उसको प्रिपेयर फ्राई करके फिर देना होता है। यहाँ पर भैया कर रहे हैं हमारी आलू फ्राई। पटेल पार्क पीछे दिख रहा है आपको, वो एंट्रेंस है पटेल पार्क की एंड पटेल पार्क के जस्ट सामने ही शुभम जी शुभम चाट कॉर्नर। क्या क्या डाल दो बताते जाओ? नमक मसाला, गरम मसाला, चटनी में क्या क्या डालते हैं? चटनी हरी में अदरक होती है, धनिया होता है, पुदीना होता है, हरी मिर्च होती है बस मैडम, यही होता है। हमारी आलू पहले से ही सब प्रिपेयर करके रखते हैं, फिर चटनी या नींबू एंड ऑल मिला करके इसको मिक्स करके बनाते हैं। ये बन रही हमारी चाट, कितनी कितनी अच्छी लग रही है। तो ये बन गई है हमारी आलू चाट, चलिए इन्हें देखते हैं कैसे ये खाते हैं। लोकल स्ट्रीट फूड खाने के लिए पटेल नगर में इतनी जगह है। तो गाइस अगर आप कभी पटेल नगर में आए तो जरूर इस एरिया को चेकआउट करें, पटेल पार्क में आए तो जरूर ही आप खाए। मात्र 20 रुपए का बर्गर एंड 20 रुपए की आलू चाट की प्लेट है, इतनी रीजनेबल प्राइजेस एंड काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा है आपको इसमें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।